कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड ड्रम टैप्स बाय कौन है वो बताओ तो भाई। वॉल्ट विटमैन। नहीं सुना तुमने ड्रम टैप्स का नाम? सुना है सर, सुना है सर। ऑफर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑन। तो जो कलेक्शन है पोएम का कॉल्ड ड्रम टैप्स वाइट विटमैन की, वो किस चीज पर रिफ्लेक्शन बताता है? उसके ट्रांसेंडेंटलिज्म में, रोमांटिसिज्म में, स्लेवरी में, या सिविल वॉर में? बोलो। बहुत बढ़िया सिविल क्वेश्चन। वॉर में, सिविल वॉर। सिविल वॉर कौन कह रहा है? नाम बताओ अपना। सर आराधना। आराधना गौडिया। ओके, अगर तुम कह रही है तो हम कैसे ठुकरा सकते हैं? सिविल वॉर बिल्कुल सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ओल्ड एज इकोज इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विच अपियर्ड पोस्थमसली। वॉल्ट विटमैन। अभी मैंने ऑप्शन बोले ही नहीं। ऑप्शन है इमर्सन, मेलविले, मार्क ट्वाइन या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, क्योंकि ओल्ड एज इकोज जो कलेक्शन है तुमने सही बताया था वॉल्ट विटमैन का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लो। होम डज विटमैन कॉल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार? इमर्सन को बोला है, ठीक है, या थोरियो को बोला है, या फिर लिंकन को बोला है, या फिर आपके मार्क ट्वाइन को बोला है? सर लिंकन को बोला है, कैसे कह अब्राहम रहे हो तुम? लिंकन को बोला है सर। अब्राहम कैसे कह दे रहे हो तुम? सर उन्होंने कोई मोस्टली पोएम डेडिकेट की है ना उनको। नहीं, ये तुम्हारा कहना गलत है। लिंकन कह रहे हो तुम, लिंकन कह रहे हो तो उसका कोई बेस होना चाहिए। बेस ये है भैया, एलर्जी नहीं है लिंकन पे। व्हेन रिलैक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम। यस सर, जब उनके बेस पे लिखे से बोला।
ये एलर्जी थी। अगला because I could not stop for death. तुम्हें खुजली होने लगी होगी, हम बताएं हम बताएं, ठीक है, और सोच रहे होगे पूछेंगे किसने लिखी है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है, तुम्हें पता है किसने लिखी है ये? एमिली डिकिंसन। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये जो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन हैज एन अल्टरनेट टाइटल, बोलो। इसका अल्टरनेट टाइटल बताओ तब तो माने। इसका अल्टरनेट टाइटल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द चैरियट। आ रहा है नहीं मजा क्वेश्चंस में? यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है Which writer is called an embarrassed peacock? Quite unused to its plumes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसका आंसर है आपका एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन ने खुद डिक्लेयर किया था, और सेल्फ डिक्लेयर्ड, तुम्हें पता है कि वो रिजर्व नेचर की हो गई थी, पहले से ही रहती थी, और उसने खुद डिक्लेयर किया था कि आई एम एन एम्बरेस्ड पीकॉक क्वाइट अनयूज्ड टू इट्स प्लूम्स, ठीक है। कहाँ डिक्लेयर किया था? इन वन ऑफ हर लेटर्स, ठीक है, बोलो क्लियर। यस सर।
अगला है, आई होप कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी तक तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े होंगे भी अपनी पढ़ाई में। जो तुम पढ़ रहे हो उसमें कभी इससे मुखातिब हुए उन क्वेश्चन से? यस सर, यस सर। कौन सा, ये वाले से हुए थे, इट्स प्लूम वाले से? नहीं सर, नहीं सर, इसमें आते हैं। ये एक दो रहे होंगे, आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, और एक आध बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें अनइम्पॉर्टेंट नहीं। Parting is all we know of heaven. And all we need of hell. ये लाइन विच पोयम एंड बाय होम? बाय होम? डिकिंसन, एमिली। किस पोयम में थी ये लाइन? माई लाइफ क्लोज्ड ट्वाइस बिफोर इट्स क्लोज। माई लाइफ क्लोज्ड ट्वाइस बिफोर इट्स क्लोज, इस पोयम से। एक और क्वेश्चन है, बहुत फेमस पोयम की एक लाइन है, तुमने सुनी होगी, आई एम ओनली 30 एंड लाइक द कैट आई हैव 9 टाइम्स टू डाई। बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम ओनली 30 and like the cat I have 9 times to die. Line from एक बहुत फेमस पोएम है भैया, ठीक है, इसको तुम कैट और 9 टाइम्स से याद रखना, बस दो भी कीवर्ड बता लोगे तो सही हो जाएगा। थर्टी कैट, ठीक है, आई हैव 30 9, 309 भी लिख सकते हो, 30 और 9 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द नॉवल एसे बाय वर्जीनिया वुल्फ। बता दो, चलो बता दोगे तो तब मानू। अ रूम ऑफ वॉल्स? नहीं, अब हिंट देता हूं,
रूम ऑफ वंस ओन तुमने गलत बोला है, वो अ रूम ऑफ वंस ओन का सीक्वल था। अब तो बता दो, सर 5 गिनीज है। नहीं 5 तो है ही नहीं, कभी उसने लिखा ही नहीं सर, है। हाँ 3 गिनीज है, सॉरी सर, 3 गिनीज। 3 गिनीज था। किस सन में आया था पता है? ये सीक्वल टू अ रूम्स ऑफ वन सोन, याद रखना। सन नहीं बताया किसी ने। चलो कोई नहीं, नहीं आया तो सन। एक और बताओ, ये वर्जीनिया वुल्फ ने ये किसमें कहा था कि फ्री टाइम मनी, व्हाट ए वुमेन नीड, फ्री टाइम मनी एंड ए रूम सर ऑफ इसी वन में सोन। है, ठीक वर्जीनिया है, रूम, अ रूम ये ऑफ बताओ वन्स। कि वर्जीनिया वुल्फ जो है कि कौन से नॉवल में एक फैमिली एक टावर पे जाती है इकट्ठा द होके। लाइट हाउस, द लाइट लाइट हाउस हाउस। मैम। ओके ठीक है। चलो टू द लाइट हाउस की बात कर रहे हैं तो टू द लाइट हाउस से ही पूछ लेता हूँ। ये टू द लाइट हाउस में करेक्टर है मैकेलिस्टर, वो क्या है भाई? एक नाम है मैकेलिस्टर, वो ऑप्शन देता हूँ। करेक्टर है मिसेज रैमजे रीड्स की जो पढ़ रही है किताब उसमें कोई, या गार्डनर है रैमजे हाउस में, या फिशरमैन है जो रैमजे को लाइट हाउस तक ले जाता है, या नन ऑफ फिशरमैन, दी, या नन ऑफ दीज है। किसी ने बोला भी था फिशरमैन, यस सर मैं बोली। फिशरमैन हु एकॉम्पनीज देम। नेक्स्ट, चलो मैंने तुम्हें लिखाया था नोट्स में, ये बताओ तो। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछने का मन करिए, लाइट हाउस में अच्छा बुक है तो। कौन सा लाइट हाउस में शॉर्टेस्ट चैप्टर है? शॉर्टेस्ट चैप्टर बता सकते हो? कितने पार्ट हैं लाइट हाउस में, ये तो बता दो। चलो 3 पार्ट्स हैं, थ्री थ्री पार्ट, है ठीक है। अब जो चैप्टर इसमें शॉर्टेस्ट है उन चार, आपको ऑप्शन देता हूँ। चैप्टर 6 इन पार्ट 1, चैप्टर 6 इन पार्ट 2, चैप्टर 6 इन पार्ट 3। इतना तो पक्का हो गया चैप्टर 6 है, तो किस वाले पार्ट का? टू द लाइट हाउस सरफस। चैप्टर 6 इन पार्ट 3। 3 तो है टू द लाइट हाउस, यस सर, ठीक है। अब आप एक और ये क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आ सकता है। देखो भाई मैं तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ, जैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच चैप्टर, ये मैं अभी बना दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की एक अलग फॉर्म। विच चैप्टर हैज ओनली टू सेंटेंसेस इन द लाइट हाउस, तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, इसीलिए शॉर्टेस्ट है। चैप्टर 6 पार्ट 3 में केवल 2 सेंटेंस हैं, 2 याद रहेगा, है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन। यस सर, यस सर।
पिग्मेलियन का इसमें से कौन सा थीम नहीं था? नंबर एक मदर फिक्सेशन, नंबर दो मैन वुमन रिलेशनशिप, नंबर थ्री आर्ट फॉर आर्ट सेक, नंबर फोर लाइफ फोर्स। सर रिपीट कर दीजिए। लाइफ फोर्स। इसमें से पिग्मेलियन का कौन सा थीम नहीं था? मदर फिक्सेशन, मैन वुमन रिलेशनशिप, ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, लाइफ फोर्स। तो तुम्हारा कहना लाइफ फोर्स नहीं था। गदो जीबी शॉ की जो पूरी नॉवेल्स हैं, ना सॉरी बुक्स हैं, ड्रामा हैं, इनमें लाइफ फोर्स की थ्योरी तो बहुत ही प्रीवेलेंट है, उसको कैसे तुम नहीं था कह सकते हो। जो लड़की है एलिजा डूलिटिल है ना? एलिजा डूलिटिल अपना एग्जिस्टेंस क्यों चाहती है, या उसका एग्जिस्टेंस जब वो बनाने लगता है तो वो अपने एग्जिस्टेंस को लेके इतना वो क्यों हो जाती है? क्योंकि लाइफ फोर्स थ्योरी है भैया, उसे भी एक ऐसी औरत बनना है जो हर जगह उसे अच्छे लोग पूछें और वो भी कहीं बढ़िया सेटल हो सके। लाइफ फोर्स थ्योरी तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की प्रीवेलेंट है, ठीक है। तो फिर बात कहाँ अटकी? मदर फिक्सेशन है, मदर फिक्सेशन भी, मैन वुमन रिलेशनशिप है, लेकिन भैया एस्थेटिसिज्म क्यों ले आ रहे हो उसमें? आर्ट फॉर आर्ट से एक साफ दिख रहा है तुम्हें कौन सा आर्ट था। इन्होंने आर्ट फॉर लाइफ से एक बोला था ना, इसको वो किया था इन्होंने। हां तो फिर आर्ट फॉर आर्ट से एक नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलो फिर एक और करते हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग करते हैं, जीबी शॉप है, देखता हूं कितने लोग बताते हैं। सर कोलेंसो रीजन नंबर दो एंड्रयू अंडरशेफ्ट, नंबर थ्री मैग्नस, नंबर फोर ब्लंटली, नंबर फाइव यूजीन मार्चबैंक, इनके सामने कुछ नाम लिख रहा हूं, यू हैव टू मैच इट, ओके। पहला नाम है आर्म्स एंड द मैन, नंबर दूसरा नाम है द एप्पल कार्ट, नंबर तीसरा नाम है कैंडिडा, नंबर चौथा नाम है मेजर बारबारा, और नंबर पांचवा नाम है द डॉक्टर्स डिलेमा। मैच कर सकते हो? एक दो भी मैच कर दो तो आ जाएगा काम से। सर कोलेंसो है, फाइव है, डॉक्टर डिलेमा और एंड्रयू है, मेजर बारबारा, मैग्नस है, एप्पल कार्ट, ब्लंड है। अरे भैया कुछ समझ में नहीं, कुछ नहीं आ रहा समझ में, दिमाग का दही कर दिया तुमने। पहले शुरू से यहाँ लिख के एक एक करके बोलो। पहला पता है कोलेंसो किसका है? जैसे डॉक्टर्स डिलेमा, डॉक्टर। हाँ बस अब चुप हो जाओ, कोलेंसो को जोड़ लेते हैं पहले। कोलेंसो द डॉक्टर्स डिलेमा, ये तुम्हारा कहना, मैं तुम्हारे हिसाब से जोड़ रहा हूँ। दूसरा, दूसरा क्या है बोलो? एंड्रयू अंडरशॉफ्ट, ये मेजर बारबारा में है।
मैग्नस कहाँ है? एप्पल कार्ट में है, एप्पल कार्ट में। ब्लंट्सली ये तो पता ही होगा, आर्म्स एंड में, आर्म्स एंड में। और यूजीन मार्चबैंक्स, कैंडिडा। देखो अगर तुम्हें ब्लंट्सली भी आता है, यूजीन मार्चबैंक्स भी आता है, कोई एक और आता है, तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन वही बनते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जी सर। ये बताओ इतना बढ़िया, हु सेड मनी इज लाइक मक, नॉट गुड एक्सेप्टेड बी स्प्रेड। तुम्हारे कोर्स से ही है, चार लोगों में से बताओ कौन है। सैमुअल जॉनसन है, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। चार्ल्स लैम्ब है, फ्रांसिस बेकन है, सर बेकन है। तुक्का मत मारो, आराम से बताओ। तुम्हें लगा ऐसा ऐसी बात बेकन ही कर सकता है? यही लगा ना तुम्हें? यस सर। हाँ तो सही तो लगा, सही है, फ्रांसिस बेकन ही है। डियर्ड्रे ऑफ द सॉरोज, बाय जेएम सिंच। राइडर्स टू द सी समझाई थी इसकी? समझाई थी नहीं समझाई थी? यस सर। वही है जेएम सिंच। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, शेक्सपियर पे पूछ रहा हूं, बिल्कुल अलग सा। देखो मैं मिसलेनियस रख रहा हूं अपनी अप्रोच, समझे? हु रोट, एक मिनट जरा होल्ड करोगे? कनिष्क ने बहुत हकाहक मचा रखा है बाहर, हल्ला बहुत कर रहे हैं खेलने में ना, यहां तक मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, रुको जरा। आ रही आवाज? यस, हद से ज्यादा शार्प है ये। मैं इसको डांटने गया, तुरंत फ्रिज से निकाल के मुझे लस्सी पकड़ा दी। पापा तुम्हारे लिए लस्सी ला रहा था, वह हो गया मैं चुप, मैं गिलास लेके अंदर को आ गया। खतरनाक आइटम है भाई ये, मैं भूल गया कि मैं बाहर क्यों आया था, बात लस्सी की आ गई थी। चलो, हु रोट, तो एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन लिखा रहा हूं। द प्रिफरेटरी प्रिफेटरी
प्रिफेटरी यानी प्रेफेस में जो आती है, प्रेफेस की जगह पे प्रिफेटरी पोयम इन शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो विच शोज. अभी तक कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आता है क्वेश्चन सर? बेन जॉनसन की विच शोज शेक्सपियर, पूरा आप देख लो, एज द इक्वल ऑफ एसिलस कॉमा सोफोक्लीज. कौन लोग थे सोफोक्लीज वगैरह? एंड यूरिपिडीज. क्लासिकल राइटर है सारे. सोफोक्लीज की तो ट्रेजेडी है भैया, ओडिपस रेक्स. भूल गए क्या? शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में कौन प्रीफेस में पोयम लिखता है जहां पर शेक्सपियर को इक्वल दिखाते हैं, एसिलस सोफोक्लीज और यूरिपिडीज के इक्वल दिखाते हैं? ठीक है, तो आपने एक ने कुछ आंसर दिया था, और कोई आंसर इसका? एक बेन जॉनसन कह रहा था, बेन जॉनसन ही खड़ा है, उन्होंने लिखा थी पोयम के प्रीफेस में. देखो दिमाग ये लगाना है, शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में प्रीफेटरी पोयम जिसने लिखी है, चाहे वो एसिलस कहें, सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, फला फला कुछ भी कह दें, पोयम तो भाई एक ही ने लिखी है. अगर तुम्हें ये नहीं भी आता किससे कंपेयर करते हैं तो भी पोयम तो एक ही ने लिखी है. प्रीफेटरी पोयम बोलो फर्स्ट फोलियो में किसने लिखी है, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन. बेन जॉनसन, यू आर क्वाइट राइट, तो आंसर इज बेन जॉनसन. ठीक छू दगड़ियो, आजकल जब से ब्लॉगिंग शुरू हुई है दगड़ियो शब्द बहुत चल रहा है ना. ओड टू नाइटिंगेल और ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न में कीट्स ने कौन सा स्टेंजा यूज किया है, बोलो जल्दी. नहीं पता, पता लिखवा दूं फिर? यस सर. व्हाट इज द स्टेंजाइक फॉर्म used by Keats in Ode to Nightingale? And Ode on Gratian on. तो इसका आंसर लिख लो भैया. इस स्टंजा को कहते हैं डेकास्टिच एच. और इस स्टेंजा की खास बात होती है, इसे कहते हैं अ स्टेंजा ऑफ 10 लाइंस. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट, ये हेल इज ए सिटी मच लाइक लंदन किसने कहा था?
भी शैली ने बोला है पीटर बेल द थर्ड में क्यों बोला है कुछ करना चाह रहा था ये पीटर बेल द थर्ड कौन सा जैन जॉनर है और किस क्या है कौन से जॉनर की पोयम है मतलब कौन से जॉनर का वर्क है ये एक सैटायर है कोई बता सकता है सैटायर किस पे है ये सैटायर है वर्ड्सवर्थ की पीटर बेल पे वर्ड्सवर्थ की पीटर बेल सुनी है यस सर सर ये आया निकाला तुम्हारे लिए नया चीज कि नहीं वो रोट द एक्सप्रेशन L is a city much like London. Answer likhenge by Shelley. In Peter Bell, the third, ऐसे लिख दे रहा हूं third, ठीक है फिर एक अलग information, a satire on Wordsworth's Peter Bell. तुम्हें तो पता ही है कि जूनियर रोमांटिक्स और सीनियर रोमांटिक्स में कैसे खटका था और सीनियर रोमांटिक्स जूनियर्स को बड़ा दोयम दर्जे का समझते थे या बताया है कि नहीं बताया और पीबी शैली था बहुत रिवॉल्यूशनरी पोएट ठीक है एक बात बताओ तुमने कहीं पर किसी जगह पे हॉर्टन पीरियड सुना है बहुत इंपॉर्टेंट है एच ओ आर टी ओ एन हॉर्टन पीरियड मिल्टन के को बोलते हैं उस टाइम पीरियड को मिल्टन के इस टाइम पीरियड में मिल्टन क्या करने निकला था अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए घूमने निकल गया था याद है तुम्हें बाहर ही रहा था ठीक है ट्रेवलिंग की उसने तो उसको हॉर्टन पीरियड कहते हैं याद रखना तो इन चारों में से कौन सी या इन तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सी किताब या वर्क ठीक है मिल्टन के हॉर्टन पीरियड के टाइम पे लिखी गई इसको मिल्टन का रिटायरमेंट भी कहते हैं हॉर्टन हॉर्टन चला गया था तो एल एलेग्रो Il Penseroso, Lycidas या all of these? सर सारी लिखी है। All है। लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सारी अच्छी ये किताबें हॉर्टन पीरियड में लिखी है उसने। हॉर्टन पीरियड में Il Allegro और दूसरी थी इल पेंसरेसो इल नहीं है एल एलेग्रो इल पेंसरेसो लिसिडस ठीक है मैं तीनों लिखी है ऑल्टन पीरियड तुम्हें पता ही है वैसे मिल्टन के करियर के बारे में बता दूं यहाँ भी तीन पीरियड समझो आप पहले पीरियड में तो वो बड़ा पीसफुल और काम रिटायरमेंट लेता हॉर्टन में एल एलेग्रो इल पेंसरेसो लिसिडस एल एलेग्रो और इल पेंसरेसो को कुछ और तरीके की पोयम भी कहा जाता है क्या ट्विन पोयम
ठीक है। फिर इसके बाद उसका दूसरा फेज था जहां वो बड़ा पैशनेट था और रिलीजन्स के मामले में बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो रहा था और अपने प्रोज पैम्पलेट भी लिख रहा था, ठीक है, और काफी रिएक्टिव और रिवोल्यूशनरी टाइप का था। तो तीन महान पोयम पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस, ठीक है, ये उसके उस समय के तीसरे फाइनल पीरियड में जब वो सॉलिटरी था और बड़ा अकेला हो गया था और बहुत फिलोसॉफिकल हो गया था क्योंकि ब्लाइंड था और फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंडलेस था वो। 1635 से 1638 तीन ही साल कह रहा है, ठीक है, 1635 टू 1638। हाँ जी सर, यही बता रहा हूँ। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला था, कहाँ गया? हाँ, मैंने तुम्हें कराया, देखता हूँ कौन बताता है। एक मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट है एपिफेनी का, वो उसी कॉन्सेप्ट के सिमिलर है जिसमें स्पॉट्स ऑफ टाइम कहा गया है। किस पोयम पे और किसने कहा स्पॉट्स ऑफ टाइम? वर्ड्सवर्थ का है। किस पोयम में? द प्रीलूड में। प्रीलूड में वी आर सेवन कैसी पोयम है? नरेटिव पोएट्री, डिस्क्रिप्टिव पोएट्री, सोनेट, बैलेड? बैलेड। द कैंपेन पोयम एक कोमेमोरेटिव पोयम है यादगार में, वो लिखी गई है जोसेफ एडिसन के द्वारा, ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा, जोनाथन एडिसन जोसेफ एडिसन। एडिसन ने कितनी पोयम लिखी थी? जोसेफ एडिसन की सिंगल पोयम थी, याद रखना, ठीक है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। नंबर एक है टेटलर, दूसरा स्पेक्टेटर, तीसरा द एग्जामिनर, द मैंने अभी सब में हटा दिए क्योंकि जगह ले रहा है, लेकिन समझ लो द सब में, द गार्जियन। इनको क्रोनोलॉजिकली लगा सकते हो जब जैसे आए थे ये। सर सही लग रहे हैं तो। टेटलर पहले आया था, क्या स्पेक्टेटर को कहाँ करूँ? 1711 एग्जामिनर 1800 में लग रहा है। अच्छा गार्जियन बताओ, ये 1713 में है। गार्जियन 1713 में। एग्जामिनर था, तुम्हें बता दूं 1710 में। अब बताओ क्रोनोलॉजिकली। फिर स्पेक्टेटर और लास्ट में द गार्जियन। क्लियर है? बस ये क्वेश्चन ऐसे ही कुछ और भी जारी रहेंगे, तो जो मैं करा रहा हूँ